दोस्तों, क्रिएटिव कॉमन एक ऐसा छलावा है जिसको यूज़ करते हैं आप और आप फंस जाते हैं। पहले हम लॉन्ग वीडियोस के बारे में बात करते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि 1 फरवरी 2023 से शॉर्ट मोनेटाइजेशन भी यहां पर अप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे में मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो शॉर्ट वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं और वो क्रिएटिव कॉमन के ऊपर वीडियोस को क्रिएट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रिएटिव कॉमन का सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं जिसमें आपको मोनेटाइजेशन मिल जाए और आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए। देखिए, क्रिएटिव कॉमन वो लाइसेंस होता है जिसका मतलब होता है कि आप एक क्लिप को या एक चीज़ को आप रीयूज़ कर सकते हैं। अभी दो तरीके से आपको मिलता है, एक मिलता है थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू जो कि आपकी वेबसाइट्स हैं, जैसे पिक्सल एक वेबसाइट है जो यूट्यूब पे वर्क करता है, आई थिंक उसको पिक्सल के बारे में पता ही होगा, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री की इमेजेस और फ्री की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराती हैं। साथ साथ आपके यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो क्रिएटिव कॉमन के अंदर होती हैं। हालांकि जो क्रिएटिव कॉमन के अंदर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पाई जाती हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर पेचीदा हो जाती हैं, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड लाइसेंस होता है उसको वो कभी भी यहाँ पर चेंज कर सकता है, यानी कि अगर उसने अभी वीडियो को क्रिएटिव कॉमन में रखा हुआ है तो वो बाद में उसको स्टैंडर्ड भी कर सकता है, और जब वो स्टैंडर्ड कर सकता है तो उसके पास राइट आ जाता है कि वो आपको स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम यहाँ पर दे सकता है और आपकी वीडियो में से कुछ पोर्शन या पूरा पोर्शन वो ले सकता है। तो ये एक मैं कहूँगा कि YouTube में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर वर्क चल रहा है और बहुत ही जल्दी आपको इसकी अपडेट भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्रिएटिव कॉमन का इस्तेमाल करें या ना करें। पहले बात करते हैं लॉन्ग वीडियोस में। देखिए, लॉन्ग वीडियोस में थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो जाती है क्रिएटिव कॉमन की बात, क्योंकि क्रिएटिव कॉमन में जब आप एक लॉन्ग वीडियो में पूरी क्लिप को इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं तो आप एक विक्टिम हो जाते हैं रीयूज कंटेंट के साथ साथ आपको ओरिजिनल कंटेंट से कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर आ सकता है। तो अगर आप कोई वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो क्रिएटिव कॉमन की हो, आपने यूट्यूब में से ही डाउनलोड की हो या आपने किसी थर्ड पार्टी से अगर आपने डाउनलोड की हो, आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू ऐड इन द सेंस ऑफ कि आप उसमें वॉइस ओवर कर दें, आप उसके अंदर एडिटिंग कर दें, कुछ इस तरीके की चीज़ें करें। लेकिन यहाँ एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी स्पीड को यहाँ पर बढ़ा दें, क्योंकि कई सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर मौजूद हैं जिसमें ये बात कही जाती है कि आप उसकी स्पीड को बढ़ा दें, उसकी कलर ग्रेडिंग कर दें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कभी ना कभी किसी न किसी रूप में यहाँ पर फंस जाएंगे। जब तक आप उसमें अपना इनपुट नहीं देंगे तब तक वो क्रिएटिव कॉमन के अंदर नहीं आएगी, या कहूँ आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप YouTube से या किसी थर्ड पार्टी से इस्तेमाल कर रहे हैं लॉन्ग वीडियो के अंदर, तो उसमें वैल्यू ऐड आपको ज़रूर करनी है। वहीं अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो सेम चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आप शॉर्ट वीडियो में कोई क्लिप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे एजुकेशन की क्लिप्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसके अंदर भी आपको वैल्यू ऐड करनी होगी। यानी कि अगर सपोज़ करिए कि किसी टीचर की या किसी व्यक्ति की आप क्लिप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि क्रिएटिव कॉमन में थी और उसको आपने एज इट इज़ पोस्ट कर दिया, उसमें कोई एडिटिंग नहीं की है, क्या कोई वॉइस ओवर या कुछ भी नहीं किया है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। भले ही आपकी वो शॉर्ट्स या जो वीडियो है वो आपका वायरल हो जाए, लेकिन वो शॉर्ट मोनेटाइजेशन में एलिजिबल नहीं होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 2023 में शॉर्ट मोनेटाइजेशन आप लेना चाहते हैं और अपने चैनल को शॉर्ट मोनेटाइज से मोनेटाइज कराना चाहते हैं, तो उस केस में आपको वैल्यू को ऐड यहां पर करना पड़ेगा। अब शॉर्ट मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, या कहूँ क्रिएटिव कॉमन की जो मोनेटाइजेशन है उसको आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई इमेजेस इस्तेमाल करते हैं जो क्रिएटिव कॉमन में पड़ी हुई हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपका जो कंटेंट है वो वायरल कंटेंट होना चाहिए या ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो एवरग्रीन है। एवरग्रीन जैसे बच्चों का कंटेंट होता है, बच्चों का कंटेंट अगर आपको क्रिएटिव कॉमन की वीडियोस मिलती हैं तो उसमें कुछ वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। आप रिएक्शन वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ मोनेटाइजेशन ले सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि जो भी चैनल से आप ले रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब से ले रहे हैं या आप थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, वहाँ की जो पूरी एक तरीके से गाइडलाइंस हैं उनको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब में जो लोग क्रिएटिव कॉमन की वीडियोज़ को क्रिएट करते हैं वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें क्रेडिट दें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके चैनल का लिंक डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पूरा देख लें और जिस भी चैनल से आप क्रिएटिव कॉमन की वीडियो को उठा रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा
कि वो चैनल पूरा क्रिएटिव कॉमन का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ वीडियोस को स्टैंडर्ड में बना रहा है और कुछ वीडियोस को वो क्रिएटिव कॉमन में बना रहा है। ऐसे जो चैनल्स होते हैं वो थोड़े खतरनाक होते हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं आपकी, आई थिंक ये क्वेरी में आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा कि वैल्यू ऐड करनी है अगर आप शॉर्ट मोनेटाइजेशन लेना चाहते हैं क्रिएटिव कॉमन की वीडियो से, और अगर आप लॉन्ग वीडियो क्रिएट करते हैं तो भी आपको वैल्यू ऐड करनी है। साथ साथ आपको वो से चैनल सेलेक्ट करने हैं जो प्योरली क्रिएटिव कॉमन में ही वर्क करते हैं। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर करते रहिए।